After UP Chief Minister Yogi Adityanath's message on coming together on Hindu's unity on the Bangladesh stir, saying "Batenge to Katenge," AIMIM Chief Owaisi has lashed out at Yogi, saying that Yogi Adityanath is dividing the nation. And Owaisi has said that it's an insult to compare India with Bangladesh. This comes after Yogi Adityanath sent out a message saying that there's a need for everyone, for Hindus to stay united, and that that will ensure that what's playing out in Bangladesh doesn't happen in India. Let's play out for you what Owaisi's response to that is. खुद वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत को कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश से. क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में इलेक्शंस रिग होते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इनस्टेबल है? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता देश की वफादार ना रहें बल्कि मोदी की वफादार रहें? और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह शेख हसीना ने बांग्लादेश में मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई, क्या वो गोलियां चलवाएंगे? So that is the response that's come in from Asaduddin Owaisi after UP Chief Minister Yogi Adityanath's big message amid unrest in Bangladesh. Yogi Adityanath called for unity on the occasion of Janmashtami, and raking up what's happened in Bangladesh, he's emphasized the need for unity among citizens of the country, among Hindus as well, saying, and I quote, "Batenge to katenge, ek rahenge to nek rahenge," stating essentially that one must take lessons from Bangladesh of how what should not be done. Chief Minister Yogi Adityanath also criticized the opposition, saying that they've been silent on the atrocities against Hindus in Bangladesh. Let's tell you exactly what Yogi Adityanath said and also follow that up with the opposition reactions. Behno bhaiyo, rashtra se badhkar ki kuch nahi ho sakta, kuch nahi ho sakta. Aur rashtra tab sashakt hoga jab hum ek rahenge, nek rahenge, tabhi nek rahenge. Batenge तो कटेंगे. आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए. कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे. वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए. ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है. ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं. मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें. बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल आपने सही कहा. आप लोगों ने आज तक हर हिंदुस्तानी को बांट कर ही तो काटा है. कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी अगड़े पिछड़े के नाम पर, कभी ठाकुर ब्राह्मण के नाम पर, कभी दलित पिछड़े के नाम पर. लेकिन अब पूरा इंडिया समझ गया है, हर हिंदुस्तानी इंडिया गठबंधन को वोट करेगा. भारतीय जनता पार्टी को बांटेंगे भी और खंड खंड भी करेंगे. बीजेपी में आपका कंपटीशन कहां चल रहा है? एक एक व्यक्ति परेशान है. बंगाल से ममता जी ने तुरंत कहा, हमारे नेता ने कहा. और एक बात और जानिए योगी जी, दक्षिण एशिया का एक चरित्र है, और ये मैं बार बार कहता हूं, हम तीनों एक ही देश थे. एक देश में माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए जो निजाम, जो मिजाज हम एस्टेब्लिश करेंगे, वो दूसरे लोगों को मानने पे मजबूर होना पड़ेगा. और हाँ, बुलडोजर का बेजा इस्तेमाल न्याय के पर्यायवाची के रूप में जो व्यक्ति करे, उसे ये सब बोलने का तो कोई हक ही नहीं है.